भैया एक आप मास्क पहनना तो ज़रूरी है, या तो मास्क पहने, पास आने पे गमछे से मुंह बंद करें, या दो गज की दूरी से बात करें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आज आपके कार्यक्रमों में देखने को मिला आप थोड़ा सा मास्क से परहेज करती नजर आई। आम लोग कैसे फिर पालन करें? भाई मैं बताऊं आपको, मैं मास्क से मेरा परहेज, इतना बड़ा गमछा तुम्हारे मास्क से 4 गुना मजबूत और स्वस्थ है ना। दूसरा मेरी दैनिक दिनचर्या में, मैं शुरू से यानी आज नहीं कम से कम पिछले 30 सालों से सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ, और ये मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ऐसे जो वायरल अटैक है वो परेशान नहीं करते। पर आप पिछली बार जब खंडवा आई थी तो आपकी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी कहीं ना कहीं, तो आप ये याद रखें कि मैं वो वायरल अटैक नहीं हुआ था, वो ठंड के कारण जो पैरों को अकड़न हुई थी वो अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। भैया एक आप मास्क पहनना तो ज़रूरी है, या तो मास्क पहने, पास आने पे गमछे से मुंह बंद करें, या दो गज की दूरी से बात करें, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आज आज आपके कार्यक्रमों में देखने को मिला आप थोड़ा सा मास्क से परहेज करती नजर आई। आम लोग कैसे फिर पालन करें? भाई मैं बताऊं आपको, मैं मास्क से मेरा परहेज, इतना बड़ा गमछा तुम्हारे मास्क से 4 गुना मजबूत और स्वस्थ है ना। दूसरा मेरी दैनिक दिनचर्या में, मैं शुरू से यानी आज नहीं कम से कम पिछले 30 सालों से सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त अग्निहोत्र करती हूँ, और ये मेरी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो ऐसे जो वायरल अटैक है वो परेशान नहीं करते। पर आप पिछली बार जब खंडवा आई थी तो आपकी तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी कहीं ना कहीं, तो आप ये याद रखें कि मैं वो वायरल अटैक नहीं हुआ था, वो ठंड के कारण जो पैरों को अकड़न हुई थी वो अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। इंदौर में हमारे चला रही बहन आप 17 दिन हो गए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।